28 जनवरी को रांची समेत झारखंड के विभिन्न केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई थी और परीक्षा आयोजित भी हुई थी और बहुत सारे पालियों में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे पहुंचे थे, परीक्षा दिया था, लेकिन शाम होते तक पता चला कि जो पेपर थे वो लीक हो चुके हैं और उसके बाद छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है राजधानी रांची में। और अभी हम राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं जहाँ पर विभिन्न छात्र संघों की ओर से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लेकर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं और देखिए किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है और जो ये शहीद अल्बर्ट एक्का चौक जो है वो जाम कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो काफ़ी रोषित हैं, गुस्से में हैं, जिस तरह से उन्होंने लंबे समय से जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे ऐसे में परीक्षा रद्द हो गई है। तो कहीं ना कहीं आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर कर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं और देखिए किस तरह से जो तस्वीर है वो आप साफ देखते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरा सड़क जो है वो जाम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक कहीं ना कहीं बातें पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से जो छात्रों का आक्रोश है वो आपको शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर दिखेगा। छात्र जो है वो आक्रोश में है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये पूरा तस्वीर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र है वो पहुंचे हुए हैं, छात्र है वो अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं और कल से ही ये प्रदर्शन आपने देखा था किस तरह से छात्र थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार जो है अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे थे। और ये शहीद अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा है जहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं। तो देखिए किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत सारे छात्र हैं बात कर लेते हैं। लंबे समय से जो छात्र तैयारी कर रहे थे परीक्षा फिर से रद्द हो गया, बेच दिया 28 तारीख का सब परीक्षा रद्द, 4 तारीख का सब परीक्षा रद्द करना होगा, सब रद्द करो, बिना रद्द किए कोई चांस नहीं। झारखंड में कोई परीक्षा अच्छे से हो ही नहीं सकता, कोई परीक्षा नहीं बता रहा है सब पीजीटी जेई नगर निगम। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक विरोध देखिए, छात्रों का आक्रोश देखिए किस तरह से आक्रोशित हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं और अपना जो है ये आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश है। और किस तरह से जो देखिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां जो छात्र है वो गुस्से में दिख रहे हैं क्योंकि लंबे समय से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और जिसको लेकर जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किया गया था। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द हो जाता है तो वाजिब सी बात है छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखेगा और देखिए सड़क जो है जाम हो गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बातें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी रांची के तस्वीर है, देखिए किस तरह से जो है जाम कर दिया गया है सड़क, जो भी छात्र है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी जो है बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो अब जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और उन्हें कहीं ना कहीं सड़क से हटाने की कोशिश कर रही है। और देखिए ये कोतवाली थाना की जो पुलिस से वो पहुंची हुई है और जो आंदोलनरत जो छात्र हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए जो है उन्हें सड़क से हटाया जा रहा है ताकि जो सड़क जाम हो चुकी है उस सड़क जाम को क्लियर किया जा सके। देखिए जो छात्र हैं वो सड़क पर बैठ जा रहे हैं, जिला प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है ताकि टीम जो है
सड़क पर ना बैठे। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों तक जो है जो झारखंड पुलिस की और रांची की पुलिस की जो यहाँ पर एक टीम आई हुई है वो उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है ताकि सड़क जाम की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे निपटा जा सके, उससे बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बार फिर से हम विभिन्न छात्रों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ कहना है, बहुत सारे उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। एजेंसी और आयोग मिला हुआ है, एजेंसी और आयोग मिला हुआ है और ये जो है धांधली करवाया गया है। तमाम जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी है आज क्वेश्चन जो पेपर बिहार से लीक होता है गया और पटना से लीक होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र लोग है बहुत मुश्किल से 8-10 साल से यहाँ तपस्या करके और पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़क जाम हो गया है, सड़क जाम हो गया है, सीजल में महा घोटाला हुआ है, सभी सीटों की संख्या बेच दिया गया है, एक भी सीट खाली नहीं बचने दिया है, सब सीट बेच दिया गया है, सड़क जाम हो गया आपके प्रदर्शन के वजह से सड़क जाम हो गया। देखिए हम लोग का कौन सुनने वाला है, सड़क तो जाम होवे करेगा, तालाब थोड़ी ना जाम होगा, सड़क है तो यही ना दौड़ेगा गाड़ी, हम लोग की मजबूरी कौन सुनेगा, जो सेटिंग गेटिंग है उसका कौन मतलब ही करेगा, जो नियम बना कानून बना 10 साल सजा हो जैसे चोरी करने वाला को 1 करोड़ सजा, उन लोग का कब फांसी होगा, केवल छात्रों के लिए फांसी होगा, ऐसे नहीं होगा, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, निरसनक इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये डीजीपी पूर्व रह चुके हैं, डीजीपी रहने के बावजूद भी कैसे चोरी हो गया, एक अधिकारी रहने के बावजूद कैसे आपका चोर हो गया, ये चीज नहीं चलेगा, जो भी चोरी किया उसका फांसी हो, जो चोरी किया उसका फांसी हो जाना चाहिए। लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे थे और आंदोलन भी किए थे कि परीक्षा आयोजित तो हुआ लेकिन ना दो। देखिए हर साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज होने चला, लेकिन अभी तक से सही से एग्जाम नहीं होने सका, तो कहीं ना कहीं ये सरकार आयोग और एजेंसी सब मिला हुआ है और सभी सीट बेच दिया, 22 से 24 सीट है, सब सीटों की संख्या बेच दिया, तो गरीब छात्र कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कदुआ के भाव से बेचा जा रहा है, सब्जी के भाव से बेचा जा रहा है, हलवाई के भाव से बेचा जा रहा है, रसगुल्ला के भाव से बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब छात्र आशा विश्वास किया हुआ है कि नौकरी लगेगा, कहाँ नौकरी दे रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य है, सभी एग्जाम रद्द होना चाहिए, अब बिना स्थान नियोजन नीति का एक भी एग्जाम नहीं हो, स्थान नियोजन नीति बने उसके बाद एग्जाम हो, और 4 तारीख का भी एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, पेपर 3 रद्द हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 बाकी है वो भी रद्द होना चाहिए, 4 तारीख की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। और लगातार देखे किस तरह से मांग की जा रही है, जो छात्र है वो सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए किस तरह हम लोग सीबीआई से जांच मांग करते हैं और जो एजेंसी एग्जाम ली है उसको ब्लैक लिस्ट तुरंत किया जाए और सीबीटी मोड में एग्जाम लिया जाए जल्द से जल्द, जो 28 तारीख का एग्जाम हुआ है उसको भी रद्द कर दिया जाए, पेपर 2 का और पेपर 1 का भी, और सारा पेपर और 4 तारीख का है उसका भी रद्द कर दिया जाए, ताकि आगे 2 महीना बाद 1 महीना 2 महीना टाइम लीजिए, क्योंकि फिर से एग्जाम लीजिए ताकि गरीब छात्र को अपना नौकरी कर सके, पढ़ के 10-10 15-15 घंटा पढ़ते हैं और लास्ट में ये हाल होता है, घर से प्रेशर आता है कब नौकरी होगा कब नौकरी का, कितने यहाँ तो झेलते हैं पढ़ते पढ़ते, घर में भी झेलना पड़ता है, पता नहीं चलता क्या करे क्या ना करे, लगता है कि एक तरफ आत्महत्या कर ले जैसे से मजबूर कर रही है। किस तरह से छात्रों का आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, जो अभ्यर्थी हैं जैसे सीजीएल के वो पहुंचे हुए हैं, कई और भी उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे कि जल्दी परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लंबे समय से जैसे सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई थी, इस बार आयोजित हुई बहुत आंदोलन के बाद, लेकिन फिर से रद्द हो गया, स्थिति वही आ गई, एग्जाम लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, पहले से सारा चीज़ सेटिंग था, अगर सेटिंग नहीं रहता जेई के एग्जाम में था रिजल्ट क्यों दिया लेट, अभी तक दिया नहीं है रिजल्ट, टीचर का रिजल्ट क्यों दे रहा है, सारा चीज़ सेटिंग हुआ है, सारा चीज़ पहले से
बिका हुआ है। आप पहला दूसरा का चीज अगर अगर सरकार बनाई थी कि पेपर लीक होने के लिए लीक होगा 1 करोड़ रुपया पर 10 साल की सजा किसके लिए? स्टूडेंट के लिए था। अगर उन लोग चोरी करते उन लोग के लिए भी था। वो कहाँ गया कानून? कानून की भागा? वो कहाँ गया है कानून? अब तक जेएससी अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए, मीडिया प्रेस भी होना चाहिए। क्या ये अपरिहार्य कारण से एक नोटिस, वो भी 10:30 बजे जब छात्रों ने आंदोलन किया, आवाज किया, तब उसके बाद एक छोटा सा नोटिस आता है अपरिहार्य कारण से। आप लिख भी नहीं पा रहे कि पेपर लीक हुआ। आप एक डीजीपी रह चुके राज्य के, आपको पुलिस तंत्र है, प्रशासन की सब नॉलेज है, तो आपने अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाया? अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? आपको जवाब देना चाहिए। छात्र जब आक्रोश हो गए, अब रोड पे आ गया है, तो उसके बावजूद भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। इस पे क्या तत्पर था? आपको सोता, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप योग नहीं है, आपकी सिस्टम नहीं दिखा रहा है कि आप योग है, इस लायक है कि आप एग्जाम ले पाएंगे। आपको तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अब फेयर का एग्जाम होना चाहिए। पीजीटी में कितना गया मार्क? 150 में आपका 145-48 कभी गया है? 90-95% कभी नहीं गया है। इतिहास में पहली बार है झारखंड सरकार वो कि जेबीएम सरकार में 90% जाता है। पहले हम लोग सोचते थे, मेरे भैया लोग एग्जाम दिए, बोलता था 60% लाइए तो आपका नौकरी हो जाएगा। आज 60% आने के बावजूद हम लोग कन्फर्म नहीं है। आज हम लोग 80% लाते हैं फिर भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही सीट बचा जा रहा है। खाली आप नमूना है एग्जाम देने के लिए। आप पढ़िए, आज जानते भैया हम एग्जाम देने के लिए सरायकेला से आए थे रांची। मेरा पिताजी, मेरा दोस्त लोग दहन बेच के आया एग्जाम देने। रहने का जगह नहीं, ठंडा में रह के एग्जाम दिया है। कहाँ अपना बाथरूम करेगा? वो तो बलिवा कहाँ किया हुआ अपने जान रहे बच्चा। एक बच्चा कितना कष्ट आके एग्जाम देता है और उसमें पात्र पता चलता है कि रिजल्ट आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। घर भी नहीं पूछे हैं, इस कारण हम अभी घर भी नहीं गए हैं कि को विरोध करना था, हमको दर्ज करना था। ये सरकार पूरा तनाशाही हो चुकी है, जो भी एग्जाम लेती है कैंसिल। आज मैंने एग्जाम दिया था जेई का एग्जाम, 2 बार एग्जाम कैंसिल हुआ। तीसरा बार एग्जाम में क्या बोलता, तुमने फोटो नहीं अपलोड किया, इसके लिए हमने कोर्ट किया है, कोर्ट में, हाईकोर्ट में भी लड़ रहे हैं हम भी। क्या सरकार हमें लड़ने के लिए क्या किया है? एक बार भी नहीं सुना हम लोग के बाद। जेएससी का अध्यक्ष जो था आपका पहले, इससे पहले वो बोला आप लोग कोर्ट जाइए, आपको कोर्ट में मिलेगा। तो आप लोग क्यों बैठे वहाँ पे? हमारा दुख दर्द नहीं समझते हैं? इससे तो फार बेटर है आपका अतुल प्रसाद जी। कोई भी छात्र अगर आप पे उल्लंघन ये लगाता है, आरोप लगाता है, तो वो क्या करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देता है कि आप गलत है, आप ये है। तो अगर गलत है तो बच्चा को मान भी लेता है, और वो गलत है तो सुधार भी लेता है। ये होना चाहिए प्रशासन का मतलब। रद्द करो एजेंसी, पहले रद्द करना होगा। सारा सेटिंग एजेंसी से ही हो रहा है। कहे कि जेएससी का अध्यक्ष भी जानता है, उसको फिर से दिया गया है, उस एजेंसी लीक हो रहा है पेपर वहां से। पहले सबसे पहला मुद्दा है कि एजेंसी को पहले रद्द करो, एग्जाम 6 महीना बाद लो, पहले एजेंसी का रद्द करो। अच्छा, फ्रेश एग्जाम लो। अब एक एग्जाम नहीं, 2 एग्जाम लो। अगर एक एग्जाम होगा जितना से हुआ, जितना भी हाल भी होते रहेगा सबका वही हाल। 2 एग्जाम पीट का मेंस दोनों होना चाहिए। अगर एक एग्जाम होगा हमेशा धांधली होते रहेगा। कैंसिल करने के बाद उसके बाद आपने जो नियम बनाए हैं, ये छात्रों को डराने के लिए नियम नहीं बनाए हैं। हम लोग जान रहे हैं छात्रों को डराने के लिए नियम बनाए थे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग हक के लिए लड़ेंगे, जितना दूर जाना होगा जाएंगे। अब आपका काम है जो नियम नीति बनाए हैं, 10 करोड़ का फाइन और आजीवन कारावास, ये आपको दिखाना है किसके ऊपर? जेएससी अध्यक्ष है तो जेएससी का अध्यक्ष, और जेएससी कर्मी है तो उस पर भी कार्रवाई, और एजेंसी, और जो बच्चा खरीदा है, जो बच्चा के जहाँ भी गया है उस पर भी कार्रवाई हो। ताकि छात्र, यहाँ झारखंड का छात्र बहुत मेहनती है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, नहीं तो वो बिजनेस कर लेता। अगर उसके पास इतना पैसा हो तो 22 लाख 25 लाख तो बिजनेस करता, नौकरी के लिए नहीं जाता। लेकिन यहाँ बाहरी छात्र ने नौकरी के लिए बाहरी बिहार में और पटना में उन लोग को प्रोजेक्टर दे के रटाया गया। अरे भैया पेपर 1 भी उन लोग पेपर 1 भी लीक आउट किया, पेपर 1 भी उन लोग पास नहीं कर पाएगा। पेपर 1 जबकि पास करने के लिए 30% लाना है, 30% उन लोग भी उसको करवाया। और जेएससी क्या किया है, मात्र थर्ड पेपर को अपीयर करने से रद्द करते हैं बोल के रद्द कर दिया है, जबकि नियम संगत वही एजेंसी ले रही है। तो पूरा एग्जाम को कैंसिल करते हुए अभी जांच बैठाना चाहिए। छात्रों का संयम को आप परीक्षा नहीं लीजिए, छात्रों का सहयोग कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप कार्रवाई कीजिए। छात्र आपके ऊपर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि जैसे अध्यक्ष अब क्या करेंगे। आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और हमें बताना चाहिए।
चाहिए कि हम आगे प्रोसेस क्या कर रहे हैं। तो विरोध देखने को मिल रहा है, किस तरह से जो छात्र वो सड़क पर उतर गए हैं और सड़क जाम कर दिया है, अपनी बात कहीं ना कहीं जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश, देखिए कैसे जो है सड़क पे बैठ गए हैं और बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश है, जेएसएससी तक पहुंचाने की कोशिश है, जेएसएससी के जो अध्यक्ष है नीरज सिन्हा उन तक पहुंचाने की कोशिश है, और जो गड़बड़ियां सामने आ रही है उन गड़बड़ियों को दूर करते हुए जितनी भी परीक्षा जो आयोजित की गई है उसे रद्द करने की मांग की गई है, या फिर जो 4 फरवरी को परीक्षा आयोजित होनी है उसे भी रद्द करने की मांग हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ होता है, क्या जेएसएससी जो 4 फरवरी का परीक्षा आयोजित है उसे भी रद्द करती है या फिर जो एजेंसी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार रांची।